इस वीडियो के अंदर आपको जो टेरिस के ऊपर टाइल्स लगाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको, किस प्रकार से टाइल लगानी चाहिए और कौन सी टाइल लगानी चाहिए टेरिस के ऊपर, जिससे अपना जो टेरिस का एरिया है उसका साफ सफाई भी हो सके और उसके बाद में दिखने के में हिसाब से भी अच्छा दिख सके। और इसमें देख सकते हैं अभी पूरा टाइल लगा रखा है, इसमें मैट पॉलिश का टाइल लगाया हुआ है कंप्लीट, जो भी टाइल देख रहे हैं ये। इसमें ऊपर तीन टेबल भी बनाई हुई है, देख सकते हैं, ये टेबल का भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से। जो पिलर रहते हैं, जो बीम को जो पिलर रहते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं, उसी को ये देख सकते हैं मेंटेन किया हुआ है। तीन इसके अंदर टेबल बना दिए जिसके अंदर बैठ के आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर और इसका आनंद ले सकते हैं आप। जैसे ये एक टेबल देखा आपने पहले, एक ये बनाया हुआ है, एक यहाँ पे सामने बनाया हुआ है, ऐसे तीन टेबल बनाई हुई है और उसको ये जगह को ये तरीके से काम में ले सकते हैं आप। इसके अंदर जो टाइल लगाई हुई है ये 16x16 की टाइल्स है, जो पार्किंग टाइल रहती है वो टाइल लगाई हुई है इसके अंदर। और इसके अंदर जो वाल में टाइल लगाते हैं वो टाइल भी फिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं इसके अंदर 16x16 जो टाइल्स रहती है वही टाइल फिटिंग करना। ये टाइल का अगर प्राइस का बात करेंगे तो ये टाइल आपको आसानी से 40 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाती है कोई भी रिटेल दुकान के ऊपर। और इसमें जो वाल में 1x2 या फिर 12x18 जो टाइल आती है प्लेन, वो भी लगा सकते हैं मैट पॉलिश का या फिर ग्लोसी पॉलिश का, जिससे थोड़ा सा इसका टाइल्स का जो छोड़ने का चांस रहता है धूप में वो चांस कम हो जाता है इसमें। और केमिकल मिक्स करके फिटिंग करें कभी भी ये टाइल को। और इसका अगर प्राइस का बात करेंगे टेरिस के ऊपर टाइल्स का, तो ये आपको 16 से 18 रुपये के आसपास इसका फिटिंग का प्राइस गिरता है, लेबर कॉस्ट। इसके अंदर स्कटिंग भी देख सकते हैं, स्कटिंग इसमें डिजिटल 2x4 की जो टाइल्स आती है वो टाइल का इसमें स्कटिंग लगाया हुआ है कंप्लीट। और ये सबसे बेस्ट आइडिया है, इसके अंदर जो टेबल बना रखी है, ये पिलर जो रहते हैं पिलर के चारों तरफ इसमें टाइल लेके और बाद में कॉम्बिनेशन लेके इसमें ग्रेनाइट का, वाइट ग्रेनाइट का, और वाइट पट्टी इसमें वाइट ग्रेनाइट के अंदर देख सकते हैं एक पट्टी ली हुई इसके अंदर दो सूत की, जो कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त आ गया इसका। ये ऐसे तीन टेबल बना दी इसके अंदर और टाइल लगाने से कभी भी क्या होता है थोड़ा सा पानी का लकीज का चांस कम हो जाता है इसके अंदर कंप्लीट। और ये जो टेबल के अंदर ग्रेनाइट लगा रखी है, ये वाइट आर्टिफिशियल जो ग्रेनाइट आती है वो ग्रेनाइट लगाई हुई है इसमें, और भी कोई भी कलर का ग्रेनाइट ले सकते हैं इसके अंदर। और टेरेस के ऊपर देख सकते हैं पूरा अच्छे से स्लोप में इसमें मेंटेन किया हुआ है और अभी साफ सफाई करके एसिड वॉश करना बाकी है इसका। टाइल लगाने से कभी भी साफ सफाई अच्छी हो जाती है इसकी। और इसको स्पेसर देके ही फिटिंग करें कभी भी ये टाइल को, जो टेरेस के ऊपर टाइल फिटिंग करते हैं तो इसको स्पेसर में ही फिटिंग करें, जिससे इसका थोड़ा सा जॉइंट का जो लकीज का प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है इसमें, कभी भी जॉइंट में से लकीज कम होता है पानी का, जिसके अंदर आसानी से आप कोई भी केमिकल फिटिंग कर सकते हैं। और एक यहाँ पे स्टोर रूम बना रखा है टेरिस के ऊपर और एक जो वास एरिया रहता है वो भी देखने को मिलेगा इसमें। ये मैट पॉलिश का टाइल है, इसके अंदर कचरा जो रहता है वो ज़्यादा रुकने का चांस रहता है, तो कभी भी ऐसी टाइल ना लगाएं। जैसी अभी देख सकते हैं ये पार्किंग टाइल है जिसको पार्किंग में ही यूज़ करना चाहिए कभी भी। एक यहाँ पे वास एरिया बना दिया कपड़े साफ सफाई के हिसाब से, ये पूरा टेरिस का एरिया बता रहा हूँ आपको। और एक जो भी टाइल लगाई हुई है इसके अंदर वेस्टेज टाइल लगा रखी है इसमें, जो वास एरिया जो देख रहे हैं आप ये, इसमें अभी एक स्टोर रूम जो रहता है वो देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे एक स्टोर रूम है जिसके अंदर जो स्लेप रहता है अपना कॉन्क्रीट का, उसी में ये अलमारी टाइप बना रखा है देख सकते हैं। ये जो वेस्टेज सामान रहता है वो ये तरीके से स्टोर रूम बना के एक रख सकते हैं आप टेरेस के ऊपर। ये जो भी रेक देख रहे हैं ये रेक कंप्लीट इसमें कॉन्क्रीट में बनाई हुई है, इसमें कड़ापा स्टोर में भी बना सकते हैं ये जो रेक देख रहे हैं ये। इस तरीके से आप ये मेंटेन कर सकते हैं टेरेस के ऊपर। और इसमें अभी स्टेयर्स बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयर्स। इसमें फ्लोरिंग में डिजिटल 2x4 का जो टाइल्स आता है वो लगाया हुआ है और बाद में लेदर पॉलिश का जो ग्रेनाइट आता है वो ग्रेनाइट स्टेयर्स में लगाया हुआ है। इसका पूरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, राम कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके बताइए आपको किस चीज़ के अंदर जानकारी चाहिए और किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए।